हेलो दोस्तों, अगर आप हॉरर मूवी देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस फिल्म का नाम है द जैक इन द बॉक्स, जो कि सन 2019 में आई थी। इस फिल्म की शुरुआत में एक बूढ़े अंकल को दिखाया जाता है, जो अपने ही गार्डन में खजाने की छानबीन करते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है, जिसके ऊपर जैक लिखा होता है और उसके पास ही 5 नंबर सेट होता है। फिर वह उस बॉक्स को अपनी वाइफ के सामने खोलते हैं, तो उसमें से एक जोकर निकलता है, जिसे देखकर बूढ़े अंकल की वाइफ बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही बूढ़े अंकल किसी काम की वजह से बाहर जाते हैं, तभी उसमें से वह जोकर उसकी वाइफ को मारकर बॉक्स के अंदर खींचने लगता है। वाइफ की चीख सुनकर अंकल वापस आते हैं, पर तब तक बॉक्स बंद हो जाता है और बूढ़े अंकल कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद सीधा सीन 12 साल बाद का दिखाया जाता है, जिसमें केसी नाम का एक लड़का एक म्यूजियम में काम करने के लिए आता है, जिसे हिस्ट्री और एंटिक चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही पसंद होता है। वहाँ एक लड़की लीजा भी काम करती है, जो केसी का वेलकम करते हुए म्यूजियम की पूरी जानकारी देती है। उसी टाइम उन दोनों की नजर जैक इन द बॉक्स पर पड़ती है, तो केसी उत्सुक होकर उस बॉक्स को ओपन कर देता है। तभी उसमें से उसी प्रकार वही जोकर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर लीजा कहती है कि यह टॉय के हिसाब से बहुत खतरनाक है। फिर उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात उस म्यूजियम में दो चोर चोरी करने के लिए आते हैं, जिसमें एक चोर की नजर जैक इन द बॉक्स पर पड़ती है, तो वह उस जोकर का मजाक बनाने लगता है। उसी टाइम अचानक बॉक्स बंद होकर दोबारा खुल जाता है और फिर वह जोकर, जिसका नाम जैक होता है, वह बाहर आके उस चोर को जान से मार देता है और बॉक्स के अंदर ले जाता है। दूसरा चोर जैक को देखकर छुप जाता है, पर जोकर उसे भी अपना शिकार बना ही लेता है। यहाँ हमें उस बॉक्स के बारे में ये पता चलता है कि जैक नाम के साथ 6 नंबर, जो कि बॉक्स खुलते ही 0 हो गया था, वह दो चोर के मरने के बाद अब 2 पर सेट हो जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि केसी और लीजा एक दूसरे से बहुत सी बातें करते हैं, जिसमें लीजा अपनी बीमार माँ के बारे में बताती है। फिर वह दोनों वहाँ से खा पी कर अपने घर जाकर सो जाते हैं, जहाँ केसी को भयानक सपने आते हैं, जिसमें उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड मारिया दिखाई देती है, जिस वजह से वह 6 महीने से सो नहीं पाया है, क्योंकि मारिया को एक आदमी जान से मारने जा रहा था, जिस कारण वह केसी को फोन करके अपनी हेल्प के लिए बुलाना चाह रही थी। पर केसी ने अपनी नींद के कारण फोन उठाना जरूरी नहीं समझा, इसीलिए केसी को अपनी इस गलती का बहुत पछतावा होता है। खैर, अगले दिन केसी म्यूजियम में आता है तो गेट पहले से खुला देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है, बट सब जगह चेक करने पर उसे पता चलता है कि कोई चोरी नहीं हुई है। फिर भी केसी सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए लीजा को फोन करता है, पर लीजा बताती है कि सीसीटीवी काफी टाइम से खराब है। बट तभी वहाँ डेविड आ जाता है, तो केसी उसे वह बॉक्स दिखा देता है। तो डेविड बताता है कि यह बॉक्स बहुत ही पुराना है और यह बॉक्स अक्सर प्रेत आत्माओं और जादू टोना करने के लिए यूज किया जाता है। यह बॉक्स हानिकारक भी होते हैं, क्योंकि इन बॉक्स में अक्सर बुरी शक्तियों को कैद किया जाता है और अट्रैक्टिव बॉक्स को अधिकतर सभी लोग खोल देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। केसी यह सब बातें बहुत ध्यान से सुनता है, ताकि म्यूजियम आने वाले लोगों को वह जैक इन द बॉक्स के बारे में सही से सब कुछ बता सके। केसी उस बॉक्स पर 2 नंबर सेट हुए देखकर भी इग्नोर कर देता है और चला जाता है। म्यूजियम में आए हुए लोगों में से एक महिला उस बॉक्स के पास आ जाती है, जिसे अकेला देखकर जैक उसे भी मार देता है और अपने बॉक्स के अंदर ले जाता है, जिसके बाद बॉक्स 2 नंबर से 3 नंबर पर सेट हो जाता है और उस महिला की खबर भी किसी को पता नहीं चलती। अगले दिन केसी जब म्यूजियम आ रहा होता है, तो वह 3 लोगों की मिसिंग का पोस्टर देखता है, जिसे देखकर केसी को बहुत अजीब लगता है। तो वह मॉरीन नाम की साइट पर जाकर जैक इन द बॉक्स के बारे में छानबीन करता है, जिसमें 6 नंबर के बारे में पता चलता है। तभी जैक केसी की तरफ मुंह कर देता है, तो केसी देखकर डर जाता है। पर तभी वहां पर केसी की बॉस आ जाती है और इस बॉक्स को नीचे वाले सेशन में रखने के लिए कह देती है, और फिर सब शाम के 5 बजते ही म्यूजियम से चले जाते हैं। लेकिन मैंडी नाम की लेडी उनके जाने के बाद म्यूजियम की सफाई करने लगती है, तब वह बॉक्स अचानक वहां से गायब हो जाता है, जिसे मैंडी
मूवी देखकर डर कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सारे दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं और यहाँ भी जैक मैंडी को मार कर उसी बॉक्स के अंदर ले जाता है। उसके बॉक्स पर अब वह नंबर 4 पर सेट हो जाता है। अगले दिन केसी अपनी गर्लफ्रेंड की लास्ट वॉइस सुनकर दुखी होता है तो लीजा उसे संभालने लगती है। तभी वहाँ पर मैंडी की तलाश में एक पुलिस ऑफिसर मार्टिन वहाँ आ जाता है और केसी से उसके बारे में पूछता है। तो केसी मैंडी के लिए बताता है कि आज मैंडी नॉर्मल बिहेव कर रही थी, पर आज एक अनोखी बात हुई कि एक जोकर बॉक्स है हमारे पास जिसका मुंह मेरी तरफ हो गया था, जिसकी बात पर ऑफिसर यकीन नहीं करता। यहाँ केसी समझ जाता है कि जरूर ऑफिसर का शक मुझ पर जा रहा है, जिसके बाद केसी मॉरिस वेबसाइट पर एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है और उस बॉक्स के सामने कैमरा सेट कर देता है। पर तभी लाइट चली जाती है और जैक बाहर आ जाता है और केसी को बुरी तरह से घायल कर देता है। वह उसे जान से नहीं मारता क्योंकि बॉक्स उसने ही खोला था। अगले दिन केसी लीजा को सारी बातें बताता है, पर लीजा भी उसकी बात पर यकीन नहीं करती, तो वह सेट किया हुआ कैमरा दिखाता है, पर उस कैमरे में भी लाइट के जाने के बाद का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। तो केसी अपने एक डिटेक्टिव दोस्त को इस बॉक्स के पहले ऑनर का नाम और एड्रेस पता करने के लिए कह देता है। तभी केसी को एक पर्चा मिलता है जिस पर जैक इन द बॉक्स के पुराने मालिक की पूरी जानकारी होती है। तो केसी सीधा उस व्यक्ति के घर जाकर मिलता है तो हम देखते हैं कि यह वही बूढ़े अंकल हैं जिन्होंने अपनी वाइफ को इसी जैक इन द बॉक्स के कारण खो दिया था। इस बूढ़े अंकल का नाम नॉर्मन होता है। यह सारी बात केसी को बता देते हैं कि इसी बॉक्स के कारण मैं अपनी वाइफ के खून के इल्जाम में सजा काट कर आया हूँ। मेरी किसी भी बात का किसी ने कोई यकीन नहीं करा। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसकी पूरी सजा बेवजह काटी है मैंने। नॉर्मन केसी को भी यही कहता है कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो, तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा, तुम यहाँ से चले जाओ, दूर भाग जाओ। यह सब सुनकर केसी बुरी तरह डर कर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी कार में बैक सीट पर उसकी गर्लफ्रेंड की छवि दिखाई देती है और वह केसी से कहती है कि जिस तरह तुम मुझे नहीं बचा पाए थे उसी तरह तुमने अगर लीजा को नहीं बचाया तो तुम अपना जीवन नहीं जी पाओगे। तो केसी सीधा उस म्यूजियम जाकर उस बॉक्स को एक खाली जगह पर ले जाता है और जला देता है। पर जैसे ही वह म्यूजियम पहुंचता है वह बॉक्स को उसी जगह पर देखता है जहां से उसने उठाया था, तो वह घबरा जाता है। तभी जैक गुस्से में आकर केसी को बुरी तरह से मारता चला जाता है, पर वह जान से नहीं मारता, इस बार भी बहुत घायल करके वो वापस बॉक्स के अंदर चला जाता है। अगले दिन लीजा केसी को आके देखती है तो वह केसी के साथ मिलकर अपनी मैनेजर रिचल को सारी बात बताती है, तो रिचल केसी को ही दोषी मानकर उसे नौकरी से निकाल देती है, जिसके लिए लीजा केसी से माफी मांगती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि रिचल उसे जॉब से निकाल देगी। पर केसी सिर्फ लीजा को उस बॉक्स से दूर रहने के लिए कह देता है। अब केसी अपने दोस्त को फोन करता है जिसने मॉरिस का पता निकाल लिया था, जिसके बाद केसी तुरंत मॉरिस के घर जाकर उनसे जैक को मारने का तरीका पूछता है, जिस पर मॉरिस बताता है कि जैक को मारना आसान नहीं है, उसे केवल उसी बॉक्स में कैद किया जा सकता है, जिसके लिए जैक के आर पार कोई नुकीली चीज घुसानी होगी और याद रहे जैक के वापस अंदर जाने पर उसका कपड़ा या नाखून कुछ भी बाहर नहीं रहना चाहिए वरना वह अपना शिकार पूरा जरूर करेगा। यह सुनकर केसी म्यूजियम के लिए निकल जाता है, पर जितनी देर में यहाँ ये दोनों बात कर रहे होते हैं तब वहाँ जैक रिचल को भी मार कर अपना शिकार बना लेता है, जिसके बाद एक लास्ट शिकार बाकी रह जाता है। तभी वहाँ लीजा आ जाती है जहाँ रिचल का पैर देखकर वह बुरी तरह से डर जाती है और भागने लगती है और पुलिस को फोन कर देती है। पर तभी जैक दोबारा आखिरी शिकार करने आ जाता है, जिससे बचने के लिए लीजा बहुत भागती है पर आखिरकार वह भी पकड़ी जाती है और जैक उसके पेट में भी अपना पंजा घुसा देता है। तभी केसी म्यूजियम में आ जाता है और लीजा को ढूंढने लगता है। तभी जैक वहां आकर केसी पर भी हमला कर देता है, जिससे केसी बुरी तरह से गिर जाता है। फिर वह जैक लीजा को उस बॉक्स के अंदर ले जाने लगता है, पर तभी मौका देखकर केसी एक तीर को जैक के आर पार कर देता है, जिससे जैक कमजोर होने लगता है और बॉक्स अपने आप खुलकर जैक को अपनी तरफ खींचने लगता है। पर जैक भी
बहुत चालाक होता है। वह अंदर जाने से पहले अपना नाखून बाहर छोड़ देता है, जिस पर जैक घायल होने के कारण ध्यान नहीं दे पाता। तभी वहां मार्टिन पुलिस को लेकर आ जाता है, पर वह पुलिस रिचल की मिसिंग और लीजा को घायल होने के जिम्मेदार केसी को समझकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। जहां केसी के बार बार कहने पर कि मैं निर्दोष हूं, उस पर कोई यकीन नहीं करता। अगले सीन में लीजा मॉरिस के पास जाकर कहती है कि मेरी मदद करो, मैं केसी को बचाना चाहती हूं। उसने कुछ नहीं किया, वह निर्दोष है। तो मॉरिस लीजा को कहता है कि केसी को बचाने के लिए जैक को खत्म करना होगा, क्योंकि जैक जिसे भी मारता है वह 3 साल तक जिंदा रहता है। इसलिए तुम्हें उस बॉक्स को ऐसी जगह छुपाना होगा जो उसे कम से कम 15 साल तक कोई ना खोल पाए। इसलिए लीजा उस बॉक्स को दफनाने के लिए चली जाती है। इधर पुलिस केसी को क्राइम सीन की फोटो दिखाकर कहते हैं कि अपना अपराध मान लो कि तुमने ही रिचल को मारा है। और तभी केसी की नजर एक फोटो में जैक के नाखून पर पड़ती है, जिसे देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है और मार्टिन से कहता है कि वह लीजा को मार देगा, उसे बचा लो जाकर। लेकिन तब भी मार्टिन और पुलिस उस पर यकीन नहीं करती। और जैसे ही यहाँ लीजा उस बॉक्स को जमीन में दफनाने लगती है, वहाँ जैक वापस आ जाता है और अपने बॉक्स में लीजा को मार कर ले जाता है, जिसके बाद यह बॉक्स 5 नंबर से 6 नंबर पर सेट हो जाता है। यहाँ इस जैक का मिशन पूरा हो गया है, यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म? यहाँ मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर फिल्में ला सकूं। इसलिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।